आपके बिल्कुल सामने लाइव खोली जा रही है बिन, आप देख सकते हैं इस तरह की, इसमें है हुड, ये बहुत बढ़िया, ये देखो ये इस तरह बेल खोली जाती है, ठीक है। अरे वाह, ये देखिए तोड़ जाता है ये, देखो, हाँ, ये देखो भाई साहब, ये देखो सारा एक आइटम सर, क्या बोलते हैं इसको, इसको फिलिस पजामा बोलते हैं, पजामा अंगूरा बोलते हैं, भालू बोलते हैं, अंगूरा भालू होते हैं सर, अंगूरा भालू इस जी, ये लेडीज आइटम, ये वेलवेट है, इसमें अपर भी निकलता है और लोअर भी निकलता है, ये देखो ये हुड है जी, ये इस तरह का आएगा हुड, और ये सारा इसका बेल लगा हुआ है हुड, ये देखो ये ब्लेजर बोल सकते हैं, ब्लेजर बोल सकते हैं, ब्लेजर ब्लेजर ही मिल जाएगा, जींस भी मिल जाएगा मेरे पास में, जींस ये बच्चे का होता है, ये बच्चे अभी आपको खुल के दिखा था, पढ़ने वाला वो नहीं, 25 रुपए का एक पीस, कितने बताया आपने, 25 का एक, मात्र 25 रुपए, यानी कि बोलो ओनली 60 रुपए का एक पीस, ओनली 60 रुपए का, जी जी, विंडचीटर लगभग लगभग 60 रुपए का आपको पड़ेगा, ये लगभग 10 रुपए का पड़ेगा जी, बिल्कुल सर भाई, 10 रुपए यार बताओ क्या यार, 10 में क्या आता है भाई, 10 रुपए शुरुआत होती है, 10 रुपए से पूरा बिल इसका मिल जाएगा, मफलर ये देखो सर, ये पूरा बिल। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण व्लॉग पे, मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके आ गया एक्सपोर्ट सरप्लस की दुनिया के अंदर, जहां हमें कपड़े मिल जाते हैं काफी सस्ते रेटों पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा चारों तरफ भैया एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़ों का पहाड़ बना हुआ है, तो बातचीत करेंगे चर्चा करेंगे, मैं फिलहाल पानीपत के अंदर हूँ, आर के सरप्लस पर आया हूँ, तो चर्चा करेंगे भैया जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर बढ़िया, आप बताइए सर। अच्छा, आपके फर्म का नाम क्या था? आरके सरप्लस, आरके सरप्लस जी, जी पानीपत, पानीपत का स्थित है इनकी ये गोदाम, और यानी कि पूरा एड्रेस बता दें एक बार अपना। मेरा एड्रेस है पानीपत बरसत रोड नूर वाला, नूर वाले में आके आप कॉल कर लो, हम आपको ऐसे रिसीव कर लेगा आपको। हाँ, मैं स्क्रीन में नंबर भी चला दूंगा, जी, आप जी, अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, आना चाहे आ भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप डील करते जी, हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कम से कम मिनिमम जो ऑर्डर है कितने का रहता है? कम से कम सर, कम से कम 80 किलो का आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि जो ये पूरी बेल है ये 80-80 किलो की होती है। हाँ जी, और क्या क्या रखते हैं आप, नहीं किस किस डील करते हैं? सब कुछ मिल जाएगा आपको, विंटर कलेक्शन ऑल कलेक्शन मिल जाएगा, समर में समर का मिल जाएगा। अच्छा, विंटर में विंटर का मिलता है, समर में समर का मिलता है, तो थोड़ा ये बताएं कि क्या भाव से कम कम शुरुआत जो होती है क्या भाव से हो जाती है? सर कम से कम 150 रुपए किलो से स्टार्टिंग हो जाता है, 150 रुपए किलो, जिसमें जैकेट हुडी सब कुछ आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों का, बूढ़ों का, जवान का, लड़कियों का, सबका रखते हैं? जी जी जी। तो भाई सभी प्रकार के कपड़े मिल जाते हैं जैसे भैया ने बताया, ठीक है, बॉयज हो गर्ल्स हो मैन हो सारे रखते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले मुझे कोई बेल खोल के दिखाओ आप, ठीक है, ताकि पता लग जाए ये है क्या। आइए सर, चलो बेल खोलते हैं। तो भाई भैया खोलने जा रहे हैं बेल, ठीक है, आप देख सकते हैं ए ए ट्रिपल ए वाला माल है, यानी कि जो A1 माल होता है उसको ट्रिपल ए बोला था, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, ये रहेगा बच्चे की जैकेट, बच्चों की जैकेट जी, और ये अपने कस्टमर भी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये आप आपकी खोल रहे बेल जी, चलो ठीक है, ये देखो इस तरह बेल खोली जाती है, ठीक है। अरे ये देखिए, तो भैया बेल खोल के दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह का माल निकलता है, ये देखो इस तरह बेल खुली, और ये देखिए सर, अरे वाह, बेल खोलते ही साइज बढ़ गया। ये देखो जैकेट है जी जी, इसके अंदर देखो लड़का लड़की दोनों मिक्स आता है, लड़का लड़की दोनों मिक्स आएगा जैकेट, बच्चों का 2 साल से लेकर के 10 साल तक का निकलता है, 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों के जैकेट मिल जाएंगे सर, बहुत बढ़िया। और कलर देखना सर, ये क्या प्राइस आता है लगभग? लगभग सर देखो मैंने बताया कि 150 रुपए किलो से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है, और उससे ऊपर जितना आपको चाहिए मिल सकते हैं, 200-250 जितने भी आपको चाहिए। हाँ, वो क्वालिटी का हिसाब से होता है। मान लो एक एवरेज पकड़ ले, ये जैकेट कितने की पड़ेगी? एक थोड़ी एवरेज ये समथिंग आपको पड़ने वाली है 60 या 65 रुपए का एक पीस, एक पीस जो कि 150 का आराम से सेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो इस तरह की जैकेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, ये देखिए जैकेट है, वाह भाई वाह, और लड़का लड़की दोनों का आता है इसके, लड़का अंदर। लड़की कोई भी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है सर, ये देखिए, ये देखो एक से एक जैकेट भैया जी, बिल्कुल जैसे पैस हो जाएगा तो और भी थोड़ा खरीद जाएगा ना सर, देखो इस पे देखो प्रेसिंग ही कराना पड़ता है क्योंकि सरप्लस का माल होता है, हाइड्रोलिक प्रेस से दबा जाता है। अभी देखो आपने आवाज कैसी सुनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो यानी प्रेस के अलग चार्ज लेते हैं आप? जी बिल्कुल सर, अलग से चार्ज रहेगा उसका, 6 रुपए पर पीस का लगेगा, पन्नी टैगिंग पैकिंग। अच्छा सर, पन्नी भी आ जाएगी, प्रेस भी आ जाएगी, जी, पैकिंग भी हो जाएगी, जी, सब कुछ 6 रुपए अलग से मिलेगा। बिल्कुल सर, ये देखो भाई साहब, ये देखिए सर, बस प्रेस होने की देर है, बिल्कुल साफ माल हो जाएगा, आप चाहे 60 का लेके 65 लेके आप 150 का आराम से कितने भी देख सकते हो उसको, बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, बहुत सुंदर, ये देखिए सर, बिल्कुल एक से एक जैकेट है, एक से एक सर, कलर देखो आप, टोटली बच्चे का रहेगा इसके अंदर। भैया थोड़ा सा ना इसको निकाल के दिखाओ, कई बंदों का कहना होता है कि यार ऊपर ऊपर तो माल सही होता है पर नीचे गड़बड़ हो जाता है, ये देखो, हाँ ये देखो भाई साहब, हाँ ये देखो सारा एक आइटम होगा, बहुत बढ़िया, ये देखिए सर, बहुत सुंदर, इस तरह का रहने वाला, जी जी, ये देखिए सर, टोटली बच्चे का आएगा, देखो जी
कि एक बेल के अंदर एक ही वैरायटी आती है, अगर बच्चों को लोगे तो बच्चे का आएगा, बच्चों का आता है। अगर बड़ों को लेगे तो बड़ों को आएगा। तो चलो इसके अलावा और हमें क्या दिखाएंगे बच्चों की जैकेट के अलावा? जी जी आइए मेरे साथ में चलिए, आपको बहुत आइटम खुला है वो भी दिखाते हैं। चलो और भी देखते हैं। ये इनका भैया के दो तीन गोदाम है, एक इधर है और एक इधर है। सर, तो यार मैंने दिखा दिया, इनके बगल में इनका एक गोदाम है। ये देखो सर, बहुत आइटम खुला है आज। ये देखो कितनी सारी बेल खोली है भैया ने, सारी बेलों के जो ऊपर लगता है उस तरह का ये है। ठीक है, यहाँ चलते हैं। ये देखो क्या चीज है भैया, ये फ्लिच होता है सर, लेडीज का। लेडीज का है जी। देखो भैया का एक गोदाम ये भी है और बगल वाला भी गोदाम भैया का। ये देखिए सर, क्या बोलते हैं इसको? इसको फिलिच पजामा बोलते हैं। पजामा जी जी, फिलिच पजामा। इसका अंदर अपर भी आता है, लोअर भी आता है। गरम गरम पजामा है जी जी, गरम पजामा। ये देखें इस तरह का। ये देखो सर, ये भैया जी क्या हिसाब से रहता है लगभग? लगभग सर आपको कुछ भी लोग किलो में ही मिलेगा। किलो मान लीजिए एवरेज अगर हम लगाए कि एक पीस लगभग क्या प्राइस? ये आपको समथिंग पड़ेगा 40 से 50 रुपए का एक पीस। चलिए बाकी किलो की आइटम है, हम एक एवरेज तो लगा सकते हैं। ये देखो काफी सुंदर ये पीस है, लगभग 40-50 रुपए की रेंज में पड़ने वाला है। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया, टोटली फिनिश करेगा, अपर लोअर दोनों आएगा, बिक जाएगा 100 रुपए का तो आसपास बिक जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखिए आप, ये देखो इस तरह का रहेगा। ये देखिए, ये देखिए सर, टोटली माल ट्रिपल ए ग्रेड में ही मिलेगा आपको। ये देखो और देखते हैं, ये लेडीज का पार का खुला है, लेडीज का जैकेट बोलते हैं इसको। हाँ ये देखो भाई साहब, ये जैकेट वो आपको मैंने बच्चे का दिखाया, ये वाला लेडीज का है। लेडीज का है जी। एक थोड़ी सा और दिखाओ भैया। ये देखिए सर, अच्छा इसकी एवरेज अगर लगाएं तो क्या बैठेगी एवरेज? इसकी भी समथिंग इतने ही पड़ेगा, यानी कि 65 रुपए के आसपास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 65 रुपए के आसपास के जैकेट हैं। ठीक है, जो कि ये देखिए सर, आप इसको 150-200 में आराम से सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, पर आगे किलो के हिसाब से 65-70 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है। जी जी जी, 500 हल्का भारी पीस निकलता है। हाँ हल्का भारी पीस निकलता है, हम देख केवल एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। एवरेज देखो, ये देखिए सर, इस तरह की जैकेट है, बहुत सुंदर। ये देखो सर, ये भाई ये देखो, ये देखिए सर, ये सारा लेडीज का है ना? जी जी, और ये होता है भालू, अंगूरा बोलते हैं, भालू बोलते हैं, अंगूरा भालू होते हैं सर ये, अंगूरा भालू। इस जी, ये लेडीज आइटम है ना? जी लेडीज आइटम है ये। अच्छा, ये वाला लेडीज के पार का जैकेट, ये वाला लेडीज का अंगूरा भालू, अंगूरा भालू। जी जी, ये देखिए सर, वाह भाई, ये लगभग क्या हिसाब से बैठेगा एक पीस अगर एवरेज निकाले तो? इसका पड़ेगा 40 रुपए का एक पीस आपको, 40 रुपए के आसपास। बहुत आपको, और ये एवरेज तो रहते है, ये मैंने आपको एवरेज बताया एक। हाँ। लेकिन वो किलो में मिलेगा 5-7 रुपए ऊपर नीचे जी, या तो इधर या उधर जी। नहीं ये देखे, ये देखो सर, बहुत बढ़िया। अरे वाह, इस तरह की जैकेट, अंगूरा भालू, अंगूर, बहुत बढ़िया। ये देखे सर, ये देखो सर, बहुत बढ़िया भाई, इस तरह की रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, विंटर का कलेक्शन आपको सभी मिल जाएगा हमारे पास में। ये देखिए सर, ये देखिए, बहुत सुंदर, ये होगा लेडीज का अंगोरा भालू। और दिखाता हूँ आपको, और भी देखते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ये वेलवेट दिखाता हूँ मैं आपको। अरे काफी सारी आइटम है जी भैया। भैया ये क्या चीज है? ये सर मेंस की जैकेट होती है, मेंस की जैकेट है। ये देखो सर, ये क्या हिसाब से पड़ेगा लगभग लोग? ये समथिंग पड़ेगा आपको 90-80 तक का पीस, 90-80 रुपए पीस पड़ेगा इसमें, यानी कि 5-7 ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, आएगा किलो के हिसाब से। जी बिल्कुल, ये देखें भाई साहब, आएगा किलो के हिसाब से, सब कुछ किलो के हिसाब में ही पड़ता है आपका। बहुत बढ़िया, आपको मैंने एक एवरेज बताया कि इतने का पड़ सकता है, यानी कि गर्ल्स का, बॉयज का, बच्चों का, सबका मिलेगा भाई यहां पे आपको, सर जिस सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया। और देखते हैं, ऑल वैरायटी मिलता है अपने पास में सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखो पीस देख लीजिए आप, कैसे कैसे इसके अंदर पीस है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। ये देखिए सर, और आपको ये देखो कितने में पड़ने वाला, और इसकी सेल आप कितने में कर सकते हो। हाँ ये देखिए सर, अब और देखते हैं और क्या क्या हमें दिखता है। ये जैकेट भी हमें जहाँ पे देखने को मिली जी, बॉयज के अंदर, और इधर चलते हैं, और यहाँ का गोदाम भी काफी बड़ा है जी। इधर चलते हैं जी, क्या चीज़ है भैया जी? ये होता है सर वेलवेट, वेलवेट जी जी, ये लेडीज का होता है आइटम, ये लेडीज का है जी जी जी, वेलवेट है, इसमें अपर भी निकलता है और लोअर भी निकलता है। अच्छा, अपर लोअर दोनों निकलता, दोनों निकलता है सर। अच्छा, ये किस क्या हिसाब से लगभग लगभग, थोड़ा आइडिया? लगभग पड़ेगा आपको 50 रुपए का एक पीस, 50 रुपए जी, जिसमें 45 भी हो सकता है और 55 भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल, जब किलो आएगा जब इस पर सही बैठेगा भी कितना, हम केवल एवरेज बता रहे हैं, एवरेज वेलवेट बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, वेलवेट होता है, देखिए वेलवेट होता है जी। जी देखिए, ये देखो इस तरह का रहने वाला है। हाँ जी, लोअर अपर दोनों निकलेगा है? दोनों निकलता है सर इसके अंदर। बहुत बढ़िया, ये देखिए आप, लोअर भी आएगा अपर भी आएगा, लोअर भी आएगा अपर भी आएगा जी। ये देखिए, और मैं दिखाऊं, देखो इनकी यहाँ पे गोदाम में भी बहुत से लोग आए हैं खरीदारी करने। ठीक है, एक मियाँ जी भी है। मियाँ जी कैसे हैं, कहाँ से हैं? हिसार से। हिसार से आए हैं खरीदारी करने?
यहाँ पहली बार पहुँचे हैं, इसे पहली बार आए। ये देखिए सर कैसा लगा इनका व्यवहार, ठीक है। ये देखो सर, चलो इसके अंदर ड्रेस भी निकलता है सर, ये देखिए ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस भी निकली, वेलवेट के अंदर निकलेगा ना। जी जी जी, ये देखो भैया भी दिखा रहे हैं बैक साइड में, ठीक है। ये भैया भी आए अपने। अच्छा अच्छा, आप भी खरीदारी करने आए क्या? अच्छा, आपका भी है क्या? चलो ठीक है, ये देखो बहुत बढ़िया भैया का भी गोदाम है यहाँ पे। ये देखिए आप, ये भाई बहुत बढ़िया, इस तरह का रहने वाला है जी, वेलवेट। ये देखो सर, अच्छा गरम लोअर भी रखते हैं आप? गरम लोअर जी जी जी, सब कुछ मिल जाएगा मेरे पास में। अच्छा, गरम लोअर भी देखते हैं? हाँ जी, गरम लोअर भी दिखाते हैं आपको। हुड हो गई, गरम लोअर हो गई। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ मिल जाएगा सर, सब कुछ यहाँ आपको मिला। ये यहाँ चलते हैं भैया। ये अंगूरी बोलते हैं इसको? हाँ हाँ, जो आपने खुला हुआ देखा ना, वही पीस है, वही पीस है इसका। ये देखो, ये इसका बेल है, 80 किलो का इसका बेल आता है। ये देखो आप, लेना बेल पड़ेगा? हाँ जी, लेना बेल ही पड़ेगा, लेना बेल। ये देखो सर। अच्छा, कोई यहाँ से आपसे यहाँ बेल लेता है, यहाँ खुलवा के प्रेस वैस भी आप करा के, पैक करा के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया। तो हम देख रहे थे लोअर, ठीक है, लोअर देखते हैं। लोअर क्या प्राइस का हमें पड़ जाता है लगभग लगभग, वो देखते हैं। ये देखो, ये देखो जैकेट, ये रहा, ये बच्चों की जैकेट है, बड़ों की जैकेट है सर? देखो मिक्स आता है इसके अंदर, एक होता है बच्चे का मिक्स, ये देखो ये इधर लगा हुआ है, इसमें मिक्स आपको वाला है। बच्चे का सब कुछ मिक्स मिलेगा, मिक्स मिलेगा। चलो, जींस लोवर सब कुछ। ये देखो ये होता है लोवर, ये लोवर जी। ये देखो, ये लोअर क्या हिसाब से पड़ेगा लगभग? लगभग ये समथिंग आपको पड़ेगा 60 या 65 रुपए का, 60-65 रुपए का, जो कि आराम से 150 का बिक जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखो, और ये सारा इसका बेल लगा हुआ है इधर, ये लोअर का ही बेल है सारा? जी जी जी। ये देखो TRP होता है, अंदर फर लगा रहता है सारे लोअर में। अच्छा अच्छा, ये फर वाला है जी, जो ज्यादा गर्म, बिल्कुल बिल्कुल गर्म रहता है। ये TRP का मतलब अंदर वो फर लगा हुआ है जी जी, इसका मतलब ये है जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया बॉयज का, इसमें गर्ल्स का भी आता है? गर्ल्स का तो आपको दिखाया ना? अरे हाँ, गर्ल्स का फिलिस पजामा भी दिखाया है, और हुड जो है। हाँ हाँ, हुड भी दिखाता हूँ, आ जाए। हुड भी देखते हैं, हुड देखते हैं, हुड इनके पास किस तरह की है। इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं ना, गोदाम काफी बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा समय लग जाता है। ये देखिए, ये देखो, ये हुड है जी, ये इस तरह का आएगा हुड, और ये सारा इसका बेल लगा हुआ है, हुड का ही बेल है सारा जी सर। ये देखिए, ये हुड का क्या एवरेज पड़ेगा लगभग? लगभग लगभग पड़ेगा आपको 70 या 75 रुपए का एक पीस, 70 से 75 रुपए के बीच में आपको ये पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया, उसकी सेल देखना आप कितने में कर सकते हो। देखो, टोटली कैप वाला आएगा, और इसमें जीपर वाला भी आता है, जीप वाला भी आता है, और राउंड जो नेक वाला वो भी इस तरह का भी आता है जी। बहुत ये कोट है भैया? हाँ जी हाँ जी, ये लेडीज कोट है, बॉयज कोट है? ये बॉयज का है सर, बॉयज का है। ये देखो, ये ब्लेजर बोल सकते हैं? हाँ, ब्लेजर बोल सकते हैं, ब्लेजर ब्लेजर ही मिल जाएगा। ब्लेजर के हिसाब से रखते हैं? ये आपको पड़ेगा ओनली 90 रुपए का एक पीस, 90 रुपए के आसपास पड़ेगा। ये देखो, दो चार पीस देख लेते हैं भैया जी। ये देखिए सर, मिला जुला आता है, ब्लेजर हो गए, कोट हो गए, मिला जुला। ये देखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो और देखते हैं, और भैया जी हमें क्या क्या दिखा सकते हैं? ये देखो सर, इस तरह का आता है ना, मैंने बोला जीपर वाला भी, जीपर वाला भी निकलता है, जीपर वाला भी निकलता है, ठीक है ना सर। चलो और देखते हैं, और क्या भैया क्या दिखा रहे हैं? और दिखाता हूँ मैं, आओ दूसरे गोदाम में चलते हैं। चलो दूसरे गोदाम में चलते हैं, ये इसके बगल वाले भी आपके ही है ना? हाँ हाँ, बगल वाला, बगल वाले में चलते हैं, वहाँ देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। हम पहले इस वाले गोदाम में गए थे, फिर यहाँ आए, और ये इनके बगल वाला गोदाम जी जी जी। देखो यहाँ चलते हैं, जींस भी मिल जाएगा मेरे पास में, जींस। ये जींस के हिसाब से पड़ेगा भैया जी? जींस आपको पड़ेगा एक पीस 90 से 95 रुपए का पड़ेगा, 90 से 95 रुपए का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ये बच्चे का होता है, ये जो अभी आपको खुल के दिखाया था मैंने। हाँ, ये देखो किस तरह का आता है, बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, सब इस तरह का। देखो इस पे प्रेसिंग कराना जरूर पड़ता है सर, प्रेसिंग तो कराना ही पड़ेगा। ये देखो आप, प्रेसिंग जरूर करना पड़ेगा इस वाले माल पे, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस से देखो 80 किलो का बंडल ये कितना सा बना रखा है। बिल्कुल, जब खुलेगा तो साइज ही बढ़ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो आप रिंकल देख रहे हो ना, ये प्रेसिंग से दूर होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी रखते हैं कि आप, ये सॉफ्ट है? हाँ जी हाँ जी, सॉफ्ट भी मिल जाएंगे। ये देखो क्या हिसाब से पड़ेगा सॉफ्ट है? ये सर किलो में मिलेगा आपको, ये देखो इसका कोई एवरेज नहीं, क्योंकि हल्का भारी रहता है। देखो ये बड़ा भी है, ये बड़ा भी देख रहे हो, और इसमें छोटा भी है। ये सॉफ्ट मिल जाएंगे आपको किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से लगभग क्या रुपए किलो? 50 किलो का इसका बंडल आता है। हाँ, समथिंग पड़ेगा ये 150 रुपए किलो आपको, 150 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेगा। बहुत बढ़िया भैया, ये क्या चीज है? लेडीज आइटम है ना? हाँ जी जी, लेडीज आइटम है सर। ये देखिए, इसको नाइटी बोल सकते हो। अच्छा, कितने का पड़ेगा लगभग? लगभग ये आपको पड़ने वाला है ओनली 25 रुपए का एक पीस।
25 के आसपास। हाँ जी, समर का आइटम है ना, समर का तो सस्ता पड़ता है। अब समर का छट्टा हो गया। कितने बताया आपने? 25 का एक, मात्र 25 रुपए, यानी कि बोलो ना 25 रुपए शुरुआत है। जी सर, जी सर, मात्र 25 रुपए का भाई, बहुत बढ़िया। और ये लेडीज का स्वेटर होता है। ये स्वेटर कितने पड़ेगा? ये भी 25 का, आपको मात्र 25 रुपए की स्वेटर, बहुत बढ़िया। ये लेडीज का स्वेटर होता है, लेडीज, बहुत बढ़िया। और ये लेडीज का विंचीटर है। ये विंचीटर कितने पड़ेगा लगभग? ये आपको पड़ने वाला है ओनली 60 रुपए का एक पीस। ओनली 60 रुपए का? जी जी, विंचीटर लगभग लगभग 60 रुपए का आपको पड़ेगा। देखो सर, देखो बिल्कुल पतला कपड़ा रहता है इसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, हवा रोकने के लिए काम आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो पार का जैकेट क्या होती है, इसमें अंदर रुआ भर रहता है, ये बिल्कुल प्लेन रहता है, प्लेन होती है। चलो और देखते हैं, और भैया हमें क्या क्या दिखा सकते हैं, इधर चलते हैं। जी जी, ये देखिए सर, ये लेडीज का वही रहता है, ये 25 रुपए के आसपास बता रहे, वही वही ना? बिल्कुल, ये देखिए आप, इसमें छोटा बड़ा सब निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह की, बहुत बढ़िया। इस तरह की ये स्वेटर हो, कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखो, बहुत बढ़िया। ये देखिए सर, ये स्वेटर का क्या एवरेज बैठा बताया था आपने? 25 रुपए का ओनली। अच्छा, मफलर भी रखते हैं क्या आप? हाँ जी, हाँ जी, मफलर भी है। मफलर, ये देखिए, ये बॉयज है गर्ल्स का है? ये लेडीज है, लेडीज है। हाँ जी, हाँ जी। चलो मफलर देखते हैं, मफलर क्या क्या प्राइस का मिल जाता है, यानी जैसे सारी आइटम आप मेंटेन करते हैं, ये देखो तो मफलर भी देख रहे थे। अरे यार, मफलर भी रखे हुए, ये क्या प्राइस पड़ेगा सर? ये आपको पड़ने वाला है 10 या 15 रुपए का एक पीस पड़ेगा। 10 रुपए का हिसाब, क्योंकि एक किलो में समथिंग ऐसे आते हैं, 10 या 8-9 पीस तो चढ़े जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो ये लगभग लग 10 रुपए का पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, भाई 10 रुपए, यार बताओ क्या यार, 10 में क्या आता है? ये सर, ये विंटर वाला शर्ट भी मिल जाएगा मेरे पास में, और समर वाला भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये कितने रहेगा लगभग लगभग शर्ट? यानी ये शर्ट आपको पड़ेगा एक पीस ओनली 60 रुपए का। 60 रुपए का, ये देखो सर, आप मफलर बोल लेते, ये रहा पूरा मफलर 10 रुपए के आसपास। जी 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 भाई, 10 रुपए शुरुआत होती है, 10 रुपए से पूरा बिल इसका मिल जाएगा मफलर। ये देखो सर, ये पूरा बिल इसका ही है। और ये होता है स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट के हिसाब से पड़ेगी भाई जी? स्वेट शर्ट का आपको पड़ने वाला है 45 रुपए का एक पीस। 45 रुपए के आसपास पड़ेगा स्वेट शर्ट, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। चलो और देखते हैं, और क्या क्या भैया दिखा सकते हैं हमें? ये सारे इनका यार, अगर हम दिखाने बैठ गए ना तो बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, ठीक है सर? तो जो मेन मेन चीजें मैं वही दिखा रहा हूँ। ये लेडीज का जैकेट। अच्छा, ये क्या हिसाब से बता रहे हैं आप? ये सर मैंने आपको बताया था ना कि 60 या 65 रुपए। हाँ 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 वही वही वही। जी जी जी, चलो भाई थोड़ा सा ये जी एक बार दोबारा बता दे अपना एड्रेस। एड्रेस कहाँ सर? मेरा एड्रेस है पानीपत बरसत रोड नूरवाला। नूरवाला में आके कॉल करो, हम आपको वैसे रिसीव कर लेगा आपको। बहुत बढ़िया, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच भैया जी। समय देखो सर, मैं कहता हूँ कि एक बार मेरे वेयर हाउस पे आप विजिट जरूर करो, ठीक है ना सर? और मेरा यूट्यूब चैनल रहने वाला है आरके सरप्लस पानीपत, इस वाले यूट्यूब पे आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो सारी वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।